पे आपका स्वागत है। आज मेरे पास सैमसंग का 32 इंच का सेट आया हुआ है, इसके अंदर नया मदरबोर्ड लगाया, कस्टमर ने खुद से लगाया, बट इसके अंदर दिक्कत क्या है, इसके अंदर उल्टी स्क्रीन आ रही है, उससे सीधी नहीं हो पाई। अब मैं देखो आपको ऑन करके दिखाता हूँ, सीधी नहीं हो पाई क्योंकि हर एक टीवी में आपको कर लेते हो लेकिन सैमसंग में नहीं हो पाता है। बहुत ही थोड़ा जटिल काम है, ज़्यादातर इसमें सॉफ्टवेयर करना पड़ता है तभी हो पाता है। देखिए उल्टी स्क्रीन है ये, अब इसको हम सीधा कैसे करें, देखिए लिखावट उल्टी है ना, अब इसको हम इसको सीधा करने का कोड क्या है, तो इस रिमोट से नहीं होगा, इसमें सॉफ्टवेयर करना पड़ता है कई बार, तब जाके ठीक होता है। कई हमारे भाई हैं जिनके सॉफ्टवेयर सिस्टम नहीं होता है, सॉफ्टवेयर का इशू होता है, करने में दिक्कत आती है, तो उसका एक दूसरा एक और तरीका है, रिमोट से ही हम करेंगे, इस रिमोट से करेंगे। हालांकि ये रिमोट है देखो, और मैं इसे करूँगा क्योंकि इसमें मेरे को तुम्हें ये समझ में आ रहा है, इसमें सीधा सा हिसाब है, आपको इन्फो डिस्प्ले का बटन दबाना है, देखो इन्फो मेनू म्यूट और पावर दबा देना है इसके अंदर। इसका सर्विस कोड खोलने के लिए सैमसंग का, ये सैमसंग का सर्विस कोड खोलने के लिए हमें इन्फो का बटन दबाना है, मेनू का दबाना है, म्यूट का दबाना है और पावर का दबाना है, ठीक है। इसका सर्विस कोड खुल जाएगा, देखिए इन्फो मेनू म्यूट पावर, अभी सर्विस खुल के आएगा। कई तरीके हैं, मैंने लिख रखा है, देखो एक सेकंड पहले खुलने दो, अब इधर खुलेगी डाटा सेट, इधर खुलेगी देखो, ये देखिए खुल गई, ये खुल गई ना, देखिए। और मैंने 7 तरीके लिख रखे हैं, ये 7 तरीके दिखाओ, फोकस करोगे थोड़ा ऊपर करके, ये 7 तरीके हैं, ठीक है, मेरे को तो याद है इसी, बट आप लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने सैमसंग कोड लिख रखा है, कैसे खोलना है ये दिखाओ, सामने मैंने खोल के दिखाया एक बार में, और ये कैसे स्क्रीन सीधी होगी वही मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। इस कोड को आप लोग अपने डायरी में नोट कर लेना, आपके फायदे के लिए रहेगा, ठीक है। अब चलो अब हम काम करते हैं, ठीक है। और हमें देखिए इस पे जाना है, ऑप्शन है, ऑप्शन पे नहीं जाना है, कंट्रोल पे जाएंगे, इंटर दबाएंगे, एक सेकंड गलत आ गया, मेनू से बैक होगा इसका, ठीक है, टीवी उल्टी है ना, ऑप्शन को खोलेंगे और टैप्स में जाएंगे, सॉरी मैंने आपको गलत बता दिया, ऑप्शन में खोलेंगे और ये टैप्स में जाएंगे, ये पैनल का नंबर है, ठीक है, इस पैनल नंबर को हमें खोलेंगे, ये देखिए लिखा हुआ है ना पैनल लिस्ट। अब इस मदरबोर्ड के अंदर सही से दिखाओ, इस पे ये भी टिक किया हुआ है, ये उल्टी स्क्रीन है। अब हमें करना क्या है, ये 32 से 40-42 इंच तक में ये मदरबोर्ड सपोर्ट करता है, जो इसके अंदर मदरबोर्ड अभी कस्टमर ने खुद से लगाया है, कस्टमर एक लड़का ही है, YouTube पे देख के उसने बोर्ड परचेज किया और लगाया, लेकिन इतनी मतलब यहाँ तक नहीं पहुँच पाया, फंस गया और मुझे उसने कॉल किया। देखिए तो अब यहाँ पे जितने भी पैनल हैं, पैनल के नंबर हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पे चले जाना है, इधर आ जाइए इस साइड में, अरे यार एक घंटा है ना, मुझे भी दिक्कत आ रही करने में, तो सोचो उसे कितनी दिक्कत आ रही होगी, हम लास्ट में चले जाएंगे, इस पे करेंगे, ठीक है, 32A6 इंटर करेंगे, देखिए पैनल नंबर आ गया आपको, ठीक है। अब इसको बैक करने के लिए हम इसको सीधा करने के लिए हम स्टैंड बाई करेंगे, अब फिर से हम स्टैंड बाई ऑन करेंगे इसको, तब देखते हैं ये सीधा हुआ कि नहीं हुआ, नहीं तो फिर अभी भी उल्टा है, यानी वो पैनल नंबर नहीं लिया, एक एक करके लगाना पड़ेगा हमें, अभी भी उल्टा है, अभी भी उल्टा है, देखिए चालू हो गया, अभी भी उल्टा है, फिर से हम वही कोड अप्लाई करेंगे, इन्फो मेनू म्यूट पावर, थोड़ा मैं थोड़ा बढ़िया से जूम करके आप दिखाओ, हमारे दर्शक देख सकते हैं, दिक्कत ना है।
अभी भी देखिए आप देख रहे हैं ना, ये सैमसंग लिखा हुआ है और ये उल्टी स्क्रीन है। तो फिर से हम इसमें जाएंगे हम, ठीक है। चलिए ये सब आ रहा है, इसको ऐसे रिमोट काम नहीं करेगा, तो हम इसको रिटर्न मारेंगे, रिटर्न दबा देंगे, रिटर्न हो गया, ठीक है। हम ऑप्शन में जाएंगे, मैंने टीवी को सीधे किया था, टीवी सीधे किया था ताकि मेरे को देखने में दिक्कत आ रही थी, ये उल्टी स्क्रीन आ रही थी। अभी भी टीवी उल्टी है, उल्टी स्क्रीन आ रही है, इसलिए मैंने इसको ऐसे उल्टा ही रख दिया ताकि मैं उल्टा करूँगा तो सीधा दिखेगा मुझे। अब जब ये खुद उल्टा हो जाएगा तो फिर पलट देंगे। तो हम ये पैनल टाइप में जाएंगे, इस पर फैक्ट्री रीसेट के नीचे है ये टाइप पैनल का। अब इतने इतने नंबर हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा दूर इधर उधर हम भटकने की कोशिश ना करेंगे, काफ़ी है। तो जहाँ पे हमारा ये नंबर है उसी के आसपास देखेंगे, तो मेरे हिसाब से ये नंबर होना चाहिए। एक बार इसको हम कर लेते हैं और इंटर दबाते हैं, ये नंबर आ जाएगा पैनल का नंबर, ठीक है। देखिए 32B6AF0DC ये पैनल नंबर आ गया आपका, ठीक है। अब हम इसको फिर स्टैंड बाई मोड में करेंगे और फिर से स्टैंड बाई करेंगे, अब देखते हैं हमारे स्क्रीन सीधे कि नहीं सीधे। देखते रहिए, सीधी हो गई, सीधी हो गई, लिखावट आ जाएगी, ऊपर आ गई थी, हम नीचे आ जाएंगे। स्मार्ट टीवी है, थोड़ा वक्त लगता है। जब सैमसंग इधर लिखा हुआ है, यूट्यूब भी उसी की तरफ लिखा हुआ है। अब हम टीवी को हम सीधा करते हैं, सैमसंग डिस्प्ले बनेगी, ये देखिए बिल्कुल सीधा है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।